नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े ही स्वादिष्ट नारियल के लड्डू, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। नारियल हमारे स्किन, बोन हेल्थ, वेट लॉस, डाइजेशन, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके फ़ायदे तो इतने सारे हैं कि आपको ये गूगल पे आप गिनते गिनते थक जाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है 3 नारियल, उसको हम अच्छे से फोड़ के साफ़ करके और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अगर बड़े चंक्स होते हैं तो मिक्सी के ब्लेड में फंस जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसके बाद मैंने अभी आधा नारियल को लिया है, क्योंकि मैंने 3 नारियल लिया है तो आधा आधा बैच में मैं इसको पीसूँगी। इसमें मैंने 4-5 छोटी इलायची, हरी इलायची लिए है। इसको मैं मिक्सर में अच्छे से पीस लूँगी। जितना बढ़िया से आप इसको पीसेंगे उतने अच्छे से लड्डू बांधने में आसानी होगी। तो इसको हम मैंने इस तरीके से पीसा, देखिए कितने अच्छे से पिस गए हैं। इसमें पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो एक बैच मैंने पीस लिया और फिर मैं इसको एक खाली कढ़ाई में धीमी आंच पर रख के इसको हल्के हल्के से चलाऊँगी, और तब तक मैं दूसरा बैच पीस लेती हूँ। जो आधे बचे हुए नारियल है उनको वापस से मैं मिक्सी जार में डालूंगी और इनको फिर से पीस लेते हैं और इनको कढ़ाई में मैंने वापस डाला और मेरे सारे नारियल पिस गए हैं। इनको कढ़ाई में हल्के फ्लेम पे इनको मैं रोस्ट करूंगी ताकि इसका मॉइस्चर थोड़ा बहुत निकल जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इनको, थोड़ी देर तक ही, हल्का हल्का जब वो गोल्डन होने लगे उतनी ही देर तक पकाना है। बहुत ज़्यादा इसको हाई फ्लेम पे नहीं करना है, धीमी आंच पे रखना है। इसको हम 3-4 मिनट कर तक हम पकाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप बादाम। इसको मैं मिक्सर में डाल के अच्छे से इसका पाउडर बना लूँगी और ये बन गया हमारा पाउडर। इसको मैं वापस नारियल में मिला दूँगी। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने लिया है 1 कप काजू। 1 कप काजू को हमने वापस से मिक्सर में डाला और फिर इसका भी पाउडर बना लेंगे। यहाँ पे हमने नारियल का लड्डू बनाने में कोई भी मिल्क प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, लेकिन नट्स यूज़ किया है। नट्स डालने से क्या होता है, नारियल के लड्डू बांधने में बहुत आसानी होती है। अगर आप काजू और बादाम नहीं यूज़ करेंगे तो भी आप बना सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि नारियल जब ज़्यादा रफ़ होता है तो वो अच्छे से बाइंड नहीं होता है। लेकिन अगर काजू और बादाम इन सब का पाउडर इसमें डालते हैं तो उससे अपने आप तेल निकलता है, तो उससे इसको क्या होता है, बांधने में बहुत आसानी होती है और आपका गुड़ भी कम लगेगा। तो आप कम या ज़्यादा मीठा बनाना चाहते हैं तो आप उसमें वेरिएशंस कर सकते हैं। उसके बाद उसी कढ़ाई को साफ़ करके मैंने उसमें 1 कप गुड़ लिया है, उसको धीमी आँच पर हम पकाएँगे 4-5 मिनट के लिए। उसकी हमें कड़ी चाशनी नहीं बनानी है, जो बड़े बड़े चंक्स है उसको तोड़ लेंगे। 3-4 मिनट बाद ये इस तरीके का हमें पेस्ट जैसा बन जाएगा। सारा गुड़ पिघल गया है, अब हम आंच को बंद कर देंगे। फिर हम इसमें जो हमारा नारियल, काजू और बादाम का मिक्सचर था वो हम कढ़ाई में डालेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 नारियल यूज़ किया है तो काफ़ी ज़्यादा मिक्सचर है मेरे पास, तो पहले मैंने थोड़ा सा डाला है, उसको मिक्स कर लूँगी और उसके बाद बाकी का इसमें डाल दूँगी।
इसके लिए काफ़ी बड़ा बर्तन यूज़ करें, नहीं तो क्या होगा, बार बार स्पिल हो जाएगा और फिर गंदगी फैलेगी। तो इससे अच्छा है बड़ा कंटेनर ले। ये हमने यहाँ पे क्या किया है, सारा मिक्सचर को गुड़ में मिक्स कर दिया है। अब ये आपका लड्डू बनने के लिए तैयार है। आप अगर चाहें तो आप उसी टाइम में लड्डू बना सकते हैं, या आपके पास जब भी फ्री टाइम हो तो आप इसको बना सकते हैं। एक अलग बर्तन में निकाल लें और ठंडे होने के बाद में भी इसको अच्छे से बाइंड किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि गर्म ही हो, और ये काफ़ी अच्छे से बन जाता है। यहाँ पे देखें कि ये बिल्कुल आसान है इसको बांधना, क्योंकि इन सभी चीज़ों में अपना ऑयल होता है। कोकोनट में भी ऑयल होता है, बादाम में भी होता है, और काजू में भी होता है। तो बाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप चाहे तो मीठा कम भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने हाथ में लिया थोड़ा सा मिक्सचर, और फिर इसको इस तरीके से हम बाइंड करेंगे। और देखिए कितनी आसानी से लड्डू बन रहा है। इस रेसिपी की खासियत ये है कि आप इसको बैचेस में काम कर सकते हैं। जैसे एक बार में आपने नारियल को फोड़ लिया, उसको चॉप करके आप रख दे फ्रिज में, फिर दूसरे दिन आप चाहे तो नारियल के लड्डू बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। लड्डू बांधने के लिए आप दोनों हथेलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिश्रण को दोनों हथेलियों के बीच में ले और फिर इसको सर्कुलर मोशन में चलाएं, तो उससे भी आपके बड़े क्लीन लड्डू बनेंगे। लड्डू को बनाने के बाद आप इसे फ्रिज में स्टोर करें, और जब भी खाना हो उसे थोड़ी देर पहले बाहर निकाल के रख दें, या 5 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लें। बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आया होगा, और ये बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखने के लिए शुक्रिया।